हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। ये है प्रीलिम्स स्मैशर सीरीज एनवायरमेंटल इकोलॉजी का 22nd लेक्चर, और इसमें हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस तरीके से हम जून तक के मंथली करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट बेगनर्स अप्रोच। इसमें लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और सिर्फ दो लेक्चर बचे हैं जो कि सर जल्दी ही डाल देंगे, और इस तरीके से आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो कन्वेंशनल पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं, अपनी कॉपी को 4 or 5 हिस्सों में डिवाइड करिए और आप इस तरीके से अपने नोट्स को बनाइए। ओके, यह इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन, और आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाता है जिसके अंदर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, ओरल टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट होता है, इंस्टेंट टेस्ट होता है, इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस होती है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है जिनको पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए। ओके, ये है कोर्स डायरी। इसके थ्रू आपके जो टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे कंप्लीट करवा दिए जाते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट डायरी जिसके थ्रू आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर सितंबर मंथ के, ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अंदर देखने वाले हैं। राइट, फर्स्ट न्यूज़, न्यू स्पीसीज ऑफ लार्ज गेको। ठीक है, ये लार्ज गेको क्या है? ईस्टर्न घाट में, देखिए ईस्टर्न घाट में सबसे पहले तो आप याद रखिएगा ये मिली कहाँ है, ये ईस्टर्न घाट में मिली है, और ये लिजर्ड की स्पीशीज़ है। इसको हाउस गेको भी कहा जाता है, मीन्स हाउस लिजर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो डिस्कवरी हुई है ईस्टर्न घाट में, ये दिखाती है कि जो हमारे सर्वेज होते हैं स्पीशीज़ को लेकर, तो इस एरिया में यानी कि ईस्टर्न घाट में अभी भी बहुत से ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि अभी भी हमें पता नहीं है, जिनके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। तो ज़रूरत है कि ईस्टर्न घाट्स में और भी ज़्यादा डेडिकेटेड सर्वेज करवाए जाएं, जिस वजह से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ का जो फौना है, फ्लोरा है, वो हमें पता चल सके। ये जो लार्ज गेको है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड वार्म क्लाइमेट्स में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये ईस्टर्न घाट में पाई गई है, ये लिजर्ड की स्पीशीज़ है और इनको हाउस लिजर्ड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, ईस्टर्न घाट के बारे में आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। ईस्टर्न घाट, हमने वेस्टर्न घाट के बारे में इसके पहले लेक्चर में जाना था कि क्या है, तो हम यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट जो है ये डिसकॉन्टीन्यूअस रेंज है। अब डिसकॉन्टीन्यूअस रेंज का मतलब देखिए, यहाँ पे ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये डिसकॉन्टीन्यू है, मतलब ये लगातार है, यहाँ पे कहीं भी डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं आई है। बट ये देखिए, ये है ईस्टर्न घाट, ये डिसकॉन्टीन्यू है, ये देखिए यहाँ पे ये एक साथ नहीं है, कहीं कहीं पे ये ख़त्म है, फिर शुरू है, फिर ख़त्म है, फिर शुरू है, इस वजह से इनको डिसकॉन्टीन्यूअस रेंज कहा जाता है। ठीक है, जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं या कहाँ कहाँ से ये गुजरते हैं, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले ये उड़ीसा से शुरू होते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। हमने वेस्टर्न घाट्स के लिए भी देखा था, तो लास्ट इस बार जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें वेस्टर्न घाट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कौन से स्टेट्स को होकर गुजरते हैं, तो हमें ईस्टर्न घाट के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो आप ये से याद रखिएगा, ये 4 स्टेट्स हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, ये जो हमारा ईस्टर्न घाट है ये इरोडेड हो जाता है थ्रू बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट रिवर्स, वो हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। ये जो रिवर्स हैं ये इस जो हमारा ये जो एरिया है, ये जो ईस्टर्न घाट है, इसके थ्रू ये इन्हें इरोड करती हैं, कट करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस वजह से जैसे वेस्टर्न घाट में है कि वहाँ से कई सारी जो रिवर्स हैं उनका सोर्स है, वहाँ से निकलती हैं, पर ऐसा ईस्टर्न घाट में नहीं देखा गया। यहाँ पे कोई भी ऐसी मेजर रिवर नहीं है जिसका सोर्स हो यहाँ से, जो यहाँ से निकलती हो। ठीक है, जो ईस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में हाई नहीं है, दे आर नॉट हाई एज द वेस्टर्न घाट्स, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ओल्डर हैं, मतलब कि ये पहले आई थी और उसके बाद वेस्टर्न घाट है। तो अगर ऐसा कहीं भी आपको स्टेटमेंट मिले जिसमें ये लिखा हो कि ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट, देन इट इज़ ट्रू, आप इसको याद रखिएगा। ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट है, ये वाला पॉइंट भी फैक्ट है कि ईस्टर्न घाट हाई नहीं होते हैं वेस्टर्न घाट के कंपेरिजन में, इनका ये लो लाइंग होते हैं, तो आप ये सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट, डेम्पा टाइगर रिजर्व। न्यूज़ ये है कि साउथ ईस्ट एशिया में ये जो डम्पा टाइगर रिजर्व है इसने एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा क्लाउडेड लियोपार्ड्स को रखने का। ठीक है, डम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? डम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, और ये मिजोरम की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसको 1994 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, नोटिफाई किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा कि डम्पा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में है, और यहाँ पे रिकॉर्ड इसने बनाया है सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लाउडेड लियोपार्ड्स को रखने का। ठीक है,
और ये जो है ये देखिए यहाँ पे ये सिचुएटेड है, ये मिज़ोरम का ये एरिया है और यहाँ ये सिचुएटेड है, और ये जो हमारा बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके साथ ये सटा हुआ है, ठीक है। जो डम्पा टाइगर रिजर्व है, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था, ये उसका भी पार्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करती है, राइट। आइए हम देख लेते हैं क्लाउडेड लियोपार्ड का क्या है, क्योंकि क्लाउडेड लियोपार्ड के बारे में हमने देखा, ये है देखिए क्लाउडेड लियोपार्ड, ठीक है। इसके बारे में बताती हूँ अभी, जो क्लाउडेड लियोपार्ड है ये एक वाइल्ड कैट है जो कि हिमालयंस के फुट हिल में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, कौन से कंट्रीज़ में? नेपाल, भूटान, इंडिया, म्यांमार, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में ये बांग्लादेश, थाईलैंड और चाइना में भी पाए जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखे जहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा हो कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाते हैं या सिर्फ एंडेमिक है भारत में, तो ऐसा नहीं है, ये सारे स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, तो आप इनकी कैटेगरी को याद रखिएगा, ये वल्नरेबल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेघालय जो हमारे स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये वहाँ का स्टेट एनिमल है, ऑफिशियल एनिमल जो है क्लाउडेड लियो पार्ड है, ठीक है। इसको साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी लिस्ट किया गया है और इसको प्रोटेक्ट किया गया है। इट मींस कि इसकी इंटरनेशनल इलीगल ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, इसकी हंटिंग बैंड है बांग्लादेश में, चाइना में, इंडिया में भी बैंड है, मलेशिया, म्यांमार, ताइवान, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, इन सभी देशों में इसकी हंटिंग बंद है। अभी जैसा कि आपने सुना होगा हमारे देश में जिसको इंडिया ने होस्ट किया था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, और इसमें जो मैस्कट था वो क्लाउडेड लियोपार्ड था। ये देखिए ये है मैस्कट और ये है क्लाउडेड लियोपार्ड, तो आप इसको याद रखिएगा कि इंडिया ने होस्ट किया था और इसका जो मैस्कट था वो क्लाउडेड लियोपार्ड ही था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, न्यू वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स, सेंटर ने नए रूल्स नोटिफाई किए हैं वेटलैंड्स को लेकर, जो कि रिप्लेस कर देगा जो हमारा 2010 का वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल है। नए रूल के अंतर्गत कुछ चीज़ें प्रोहिबिट कर दी गई हैं, जैसे कि जो सॉलिड वेस्ट डंपिंग है उसे प्रोहिबिट कर दिया गया है, जो हमारा डिस्चार्ज होता है अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो गंदा पानी होता है जो इंडस्ट्री, सिटीज, टाउन या विलेजेस से आता है, उनको अब यहाँ पे हम डंप नहीं कर सकते, ये वेटलैंड्स में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जो न्यू रूल्स है उसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर कर दिया है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, कि वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं वेटलैंड्स को और उनको मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस नए रूल के अंतर्गत यहाँ पे एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाने की बात कही गई है, जो कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में बनाई जाएगी, और इसके जो हेड होंगे वो स्टेट के एनवायरमेंट मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो आप इसे, ये सारे जो पॉइंट्स आप इन्हें याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको वेटलैंड्स कंजर्वेशन के रूल्स के बारे में पूछा जा रहा हो, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सारी पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये नया रूल्स हैं इसके अंतर्गत जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक हैजार्डस मटेरियल और जो पोचिंग की, एनिमल्स की पोचिंग होती है, ये सारी चीज़ें बैन हैं। और अगर हमारा जो वेटलैंड एरिया है उसको नॉन वेटलैंड पर्पस से के लिए आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं और कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे आप नहीं बना सकते हैं, ये सभी चीज़ें बैंड हैं। इसके अंतर्गत हमें एक नेशनल वेटलैंड कमेटी बनाने की भी बात कही गई है, और ये जो नेशनल वेटलैंड कमेटी होगी, ये जो भी हमारे रूल्स होंगे, जो हमने रूल्स बनाए हैं, ये उसको मॉनिटर करेगी कि ये कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये उस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज़ करेगी कि किस तरीके से हमें और ज़्यादा अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, हमें किस तरीके के प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है, हमें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने कंजर्वेशन के लिए वेटलैंड के, और हम क्या क्या कर सकते हैं अपने वेटलैंड को बचाने के लिए, ठीक है। ये जो हमारा नया रूल है इसके अंतर्गत जो वेटलैंड को डिफाइन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि ऐसा कोई भी एरिया जो मार्शी हो, फैनी हो, पेटलैंड हो, उसमें वाटर हो, वो नेचुरल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है, उसका वाटर रुका हुआ भी हो सकता है, पानी उसका बहता हुआ भी हो सकता है, उसका पानी फ्रेश भी हो सकता है या ब्रैकिश भी हो सकता है। ये सारी कंडीशंस वहाँ पे लागू होती हैं एक वेटलैंड के लिए, पर एक शर्त ये होगी कि जो उसका डेप्थ होगा, उसकी जो गहराई होगी, वो लो टाइड के दौरान
6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको याद रखिएगा, ये वेटलैंड की डेफिनेशन जो दी गई है, हमारे जो न्यू वेटलैंड रूल्स हैं वो ये दी गई है। और इस ये जो न्यू वेटलैंड का रूल है, ये कौन कौन से वेटलैंड्स पे अप्लाई होगा? ये उन सभी वेटलैंड्स पे अप्लाई होगा जो कि इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट है रामसार कन्वेंशन के अंदर, और वो सभी वेटलैंड जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है जो नोटिफाई करती है, वो सभी वेटलैंड्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, क्वीन अलेक्जेंड्रास बर्ड विंग बटरफ्लाई। ये क्या है क्वीन अलेक्जेंड्रास बर्ड विंग? ये एक बटरफ्लाई है, ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई है वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल डेटा है, आप इसे याद रखिएगा, इट इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन द वर्ल्ड। और न्यूज़ ये है कि ये एक्सटिंक्शन फेस कर रही है, ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, क्योंकि इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है, और धीरे धीरे जो है वो फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, तो इस वजह से इनके एग्जिस्टेंस को खतरा है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ओरो प्रोविंस, जो कि ईस्टर्न पापुआ न्यू गुएना में है, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो आप इसका जो स्टेटस है वो याद रख लीजिए, ये एंडेंजर्ड है, ये पापुआ न्यू गुएना के ओरो प्रोविंस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई है वर्ल्ड में, और इनको Appendix 1 जो साइट्स के Appendix 1 है उसमें भी डाला गया है, मतलब ये कि इनका इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो इलीगल हो जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नॉन विनोमिनस एंडेमिक स्नेक। वेस्टर्न घाट में स्नेक पाया गया है जिसका नाम है एक्वेटिक रैपडॉप्स। ये जो एक्वेटिक रैपडॉप्स है ये नॉन विनोमिनस है, मीन्स ये जहरीला नहीं है, और ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में। एंडेमिक मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। ये जो एक्वेटिक रैपडॉप्स है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। कहाँ कहाँ, कौन कौन से स्टेट में? गोवा, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। ये नॉक्टर्नल है, मतलब कि रात को विचरने वाले, ये रात को बाहर निकलते हैं, रात को घूमते फिरते हैं ये। ठीक है, आप जैसा कि ये देख रहे हैं यही हैं। और ये जितने भी रैपडॉप्स होते हैं वो इंडिया में एंडेमिक है, मतलब कि जितने भी रैपडॉप्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, और ये जो एक्वेटिक रैपडॉप्स हैं मीन्स ये पानी में रहते हैं, ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में। दीज आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है माउस डियर। तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अमराबाद टाइगर रिजर्व में माउस डियर को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया है। रीइंट्रोड्यूस का मतलब ये है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व में पहले माउस डियर पाए जाते थे, पर धीरे धीरे इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई और ये इस टाइगर रिजर्व से एक्सटिंक्ट हो गए। जब ये एक्सटिंक्ट हो गए तो इनके लिए एक ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया गया, और इस ब्रीडिंग प्रोग्राम को चलाने के बाद इनकी संख्या जब बढ़ गई तो इनको वापस से इस टाइगर रिजर्व में ला के छोड़ दिया गया। जो ये माउस डियर है इसको इंडियन स्पॉटेड शेवरोटेन कहा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन इस नाम से आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये जो माउस डियर है ये बहुत ही वियर्ड सा मैशअप है, मैशअप मीन्स ये थोड़ा अजीब सा है। इसका ये जो चेहरा है ये माउस की तरह है, ये जो बॉडी है ये पिग, और ये डियर इसको कहा जाता है, तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डियर, माउस एंड पिग। ये नॉक्टर्नल है, मतलब ये रात में निकलते हैं, ये रात को चलने वाले जानवर हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये डेसीडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जहाँ जहाँ भी हमारे भारत में ये एरिया पाया जाता है वहाँ वहाँ पे ये माउस डियर भी पाए जाते हैं। और जो इनका डिक्लाइन होने का रीज़न है वो है इनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है और पोचिंग की जा रही है। ठीक है, और जो हमारा IUCN रेड लिस्ट है उसमें ये लीस्ट कंसर्न्ड हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भले ये यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए हों लेकिन IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये लीस्ट कंसर्न्ड हैं, और इनको जरीनी पंडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है माउस डियर के बारे में इनको याद रखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ कॉम्पेंडियम ऑफ एनिमल स्पीशीज इन द इंडियन सुंदरबन। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एक कॉम्पेंडियम रिलीज़ किया है, कॉम्पेंडियम मीन्स सारांश, पब्लिश किया है कॉम्पेंडियम, जो हमारे सुंदरबन में एनिमल स्पीशीज रहते हैं उनके ऊपर इन्होंने एक कॉम्पेंडियम रिलीज़ किया है, और इन्होंने बताया है कि वो किस तरीके के थ्रेट फेस कर रहे हैं। और ये जो कॉम्पेंडियम है इसका नाम है फौना ऑफ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो हमारा सुंदरबन का एरिया है ये कहाँ पाया जाता है, आप ये देखिए, ये है सुंदरबन का एरिया, ये बांग्लादेश में,
और भारत में यहाँ पाया जाता है। ये बे ऑफ बंगाल का हमारा जो कोस्टल रीजन है ये वहाँ पे है, और वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, जो कि एक नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया था 1987 में। और हमारा जो ये जो सुंदरबन है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और जो सुंदर नेशनल पार्क है वो वेस्ट बंगाल में है। ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल का एरिया है ये वहाँ पर है, और जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एक एग्जॉस्टिव कॉम्पेंडियम पब्लिश किया है पहली बार। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको 1 जुलाई 1916 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फाउंड किया था, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जूलॉजिकल रिसर्च के लिए। हमारे देश में जो भी जानवरों से रिलेटेड, जीव जंतु से रिलेटेड सर्वेज होते हैं, रिसर्च होते हैं, एक्सप्लोरेशन होते हैं, ये सभी उन सभी चीज़ों को ये हमारा जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये उनको प्रमोट करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ पराली वन आइसलैंड। न्यूज़ में क्यों है पराली वन आइसलैंड? न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि ये धीरे धीरे ये जो आइसलैंड है ये वैनिश होता जा रहा है ड्यू टू कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन की वजह से ये आइलैंड जो है वो धीरे धीरे वैनिश होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। ये एक बायोडाइवर्सिटी रिच अनइनहेबिटेड आइलैंड है। मीन्स यहाँ पे अभी इंसान, यहाँ पे अभी आदमी, हम लोग यहाँ पे अभी नहीं पहुँच सके, वहाँ नहीं रहते हैं। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? ये जो लक्षद्वीप है ये लक्षद्वीप का पार्ट है, और जो ये हमारा पराली वन आइसलैंड है ये बंगरम एटॉल का प्लांट है। एटॉल मीन्स क्या होता है? ये रिंग शेप्ड कोरल रीफ होते हैं, ये उसी को हम कहते हैं अटॉल। तो ये जो हमारा पराली वन आइसलैंड है ये बंगरम अटॉल का पार्ट है, और ये लक्षद्वीप का जो हमारा जो लक्षद्वीप हमारा जो एरिया है ये उसका भी पार्ट है। तो आप याद रखिएगा पराली वन आइसलैंड कहाँ पाया जाता है। लक्षद्वीप के बारे में हम देख लेते हैं। जो हमारा लक्षद्वीप आइसलैंड्स है ये अरेबियन सी में है। ठीक है, और ये आइलैंड जो है ये यूनियन ऑफ कोरल्स है, मतलब कि ये जो आइलैंड है ये कोरल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसका एक यूनिक फीचर है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और यह ये जो आइलैंड है ये यहाँ पे डेड कोरल, फ्रिंजेस, बैरियर, अटॉल, कोरल रीफ्स, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है लक्षद्वीप, जो कावाराती है। ठीक है, कावाराती लक्षद्वीप आइसलैंड की कैपिटल है और ये लार्जेस्ट सिटी भी है। तो आप लक्षद्वीप के बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ये अरेबियन सी में है, ये कोरल से मिलके बना हुआ है, और ये इसका कैपिटल जो है वो कावाराती है। ठीक है, तो हमारा जो सितंबर मंथ्स के करंट अफेयर्स थे वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप अच्छे से पढ़िए, कीप अप योर एफर्ट्स, कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।